भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस आज से भारत का पहला मल्टी आर्ट सेंटर शुरू करने जा रही है। इससे एक दिन पहले रामनवमी पर भारत के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने विशेष पूजा अर्चना की। मल्टी आर्ट सेंटर का नाम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर है। इसे मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर तैयार किया गया है। नीता अंबानी के लुक की बात करें तो उनकी ड्रेस ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उन्होंने पिंक कलर का सूट कैरी कर रखा था, मैचिंग दुपट्टे और गोल्डन पैंट के साथ पिंक कलर के कुर्ते में वो काफी प्यारी दिख रही थी। उन्होंने इस खास दिन सिंपल लुक को अपनाते हुए कम एक्सेसरीज कैरी की, जिसमें स्टेटमेंट इयररिंग्स, स्लीक बैंगल्स और एक रिंग शामिल थी। उनके खुले बाल उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। बता दें कि अंबानी फैमिली के लिए ये कल्चरल सेंटर खासा मायने रखता है। दरअसल मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को भारतीय कला और डांस, खासतौर पर भरतनाट्यम से बेहद लगाव है। वो एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर हैं और 6 साल की उम्र से ही इससे जुड़ी हुई हैं। अपने इसी लगाव के चलते उन्होंने इस कल्चरल सेंटर की नींव रखी। उनके लिए सांस्कृतिक केंद्र का उद्देश्य भारतीय कलाओं को संरक्षित करना और बढ़ावा देना है। NMACC एक ऐसा मंच होगा जो भारत और दुनिया भर के समुदायों को एक साथ लाकर टैलेंट को प्रोत्साहित करने का काम करेगा। फिलहाल इस खास खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।